मैं पहुंच गया हूं, लेकिन अब्दुल बासित भाई अभी तक नहीं पहुंचे, लेट हो गए, इनके ऊपर लगेगी पेनल्टी आते के साथ ही। अस्सलाम वालेकुम। क्या है, देखो मैं तुम्हारे लिए कितना लकी हूं कि आज तुम्हारे को छुट्टी मिल गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो मेरे बच्चे? ठीक हो? अरे मोहम्मद अहमद। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अभी जो है ना 6 बज चुके हैं और 7:30 बजे फ्लाइट है और मेरी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की नींद भी हो गई, तो फटाफट उठते हैं, नाश्ता करते हैं और इसका नाश्ता करने के बाद फ़ौरन अपने गेट के पास चलते हैं और बस कराची जाने की तैयारी करते हैं। आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और देन स्टार्ट करते हैं। भाई नाश्ता जो है ना हम यहाँ पे से फ्रूट खा लेते हैं, सही है, और बाकी जो है ना हम प्लेन में कर लेंगे। ठीक है, एक एप्पल ले लिया और एक ऑरेंज ले लिया, काफ़ी है, और जूस ले लेते हैं। बिस्मिल्लाह। चलें भाई, अब जो है ना लाउंज से हम बाहर आ गए हैं और अपने गेट की तरफ जा रहे हैं क्योंकि फ़्लाइट के अंदर जो है ना सिर्फ 50 मिनट रह गए हैं। खुशनसीब लोग एहराम में नज़र आ रहे हैं, माशाल्लाह। दुआ कीजिएगा आप लोग जल्दी से हमें भी जो है और आप सब लोगों को भी दोबारा से बुलावा आ जाए इंशाल्लाह। ये देखें भाई, तीनों सीटें मिल गई हैं, आराम से नींद करूँगा। आज है ना लगेज भी जल्दी आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखें भाई, मैं पहुंच गया हूं लेकिन अब्दुल बासित भाई अभी तक नहीं पहुंचे, लेट हो गए, इनके ऊपर लगेगी पेनल्टी आते के साथ ही। वो आ गए अब्दुल बासित भाई, ये रहे, ये देखें बेटा, वहीं से गाड़ी में बैठे बैठे सलाम कर देते ना। अस्सलाम वालेकुम। क्या है, देखो मैं तुम्हारे लिए कितना लकी हूँ कि आज तुम्हारे को छुट्टी मिल गई। मैं आ रहा था तो है ना, बड़ा दिन था ना, हाँ पूरे दिन की छुट्टी मिल गई। आज भाईजान गवर्नमेंट हॉलीडे हो गया, सही है, तो अब्दुल बासित भाई आज पूरा दिन चिल करेंगे। और भाईजान मैचिंग मैचिंग चल रही है, मतलब गाड़ी के कलर का। 9 दिन के बाद आपका भाई ड्राइविंग सीट पर बैठ रहा है भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين فإنا إلى ربنا لمنقلبون। चले भाई कराची की सैर करते हैं, आ जाएं। यार मुझे तो वापसी आते ही जैसे गाड़ी में बैठा ना, मुझे तो दोबारा से सेंटा से प्यार हो गया है। अरे यार क्या स्मूथ ड्राइव है, अभी तो दिल करे चेंज ही नहीं करो। ये चेक करें भाई, कराची वापस आते ही मंडी की वाइब्स आने लगी है। देखिए जानवर जा रहा है यार, हाय हाय, क्या हम मंडी से जानवर लेके निकलते थे, रोजाना का एक जानवर खरीदा था है ना, रोजाना का। अब्दुल बासित को मैंने घर पे छोड़ दिया और अब मैं अपने घर पे पहुंच गया हूँ और मैं जो है ना अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर सकता कि जल्दी मोहम्मद अहमद और अब्दुल कबीर से मिलूं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो मेरे बच्चे? ठीक हो? अरे मोहम्मद अहमद, ठीक हो? अब्दुल कबीर इसमें क्या है? टूल बॉक्स है इसके अंदर। कब निकालेंगे? थोड़ा सा आराम करके फिर खोलें। खोले। मुझे अपने साथ सुला लोगे प्यार करके? हाँ हाय हाय। अस्सलाम वालेकुम अबू जी, क्या हाल है भाई? आपका भाई जो है ना नहा के बिल्कुल फ्रेश हो गया है अब, सही है, अभी तक नींद नहीं हुई है लेकिन फ्रेश हो गया हूँ। अलीश बाबा हुरेरा भी आ गए, तो अभी बैग ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है। अभी कौन आया है? अलीश बाबा आ गए, ये फिर बैग खोलेंगे ना। ओके अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो अलीश बाबा? ठीक हो हुरेरा? आप कहाँ जा रहे हो, पिकनिक पे जा रहे हो हैं? अब बच्चे जो है ना तीनों मैदान में आ गए हैं और ये आ गया है बैग। खोलें फिर बैग को। yes. खोलें, चलें। यो लो। अब हम इसको पहले जो है ना इसका प्लास्टिक हटाएंगे, ठीक है, और ऐसे हटाएंगे कि ये बैग खराब ना हो, ठीक है। अब जो है ना ये है खजाने की चाबी, इससे हम क्या खोलेंगे? बैग। अब्दुल कबीर इतनी देर से इंतजार कर रहा था, पापा खोलो तो सही, खोलो तो सही। मैंने बोला अलीश बाबा हुरेरा को तो आने दो, इसके बाद फिर खोल देना। अब हुरेरा को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? घड़ी। घड़ी पसंद है। चले भाई अब बैग खोलते हैं। यार बेगम तुमने मेरे से शैम्पू मंगाया था तो मैं भूल गया। नहीं आपने, अरे ब्लॉग देख लिया होगा ना, आप तो सरप्राइज रखना पड़ेगा यार। कोई ब्लॉग में आपने नहीं दिखाया? ब्लॉग में मैंने दिखा दिया। अच्छा जी हाँ, लेकिन लास्ट ब्लॉग में दिखाया जो अभी मैंने अपलोड किया। तो खैर एनीवेज हम जो है ना ये बैग खोलते हैं। ओए, ओए। इतना भारी हो रहा है बैग क्योंकि कपड़े इस दफा जो है ना सारे ट्रैक सूट थे ना, काफी वेट था तो भारी बहुत हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले ये किसका टॉय निकला है? मोहम्मद अहमद का। नहीं मोहम्मद अहमद का नहीं है, ये जैनब का है, जैनब का है। जैनब वीडियो में नहीं आती है, ठीक है, तो ये जैनब का टॉय है। ठीक है, सब बच्चों की जो है ना उनके हम चॉइस के हिसाब से चीजें लेके आए हैं और सबसे ज्यादा टॉय तो मेरे आए हैं क्योंकि मैंने एडवेंचर का शौकीन हूं ना, तो एडवेंचर के लिए ज्यादा चीजें ली है।
ये बेगम तुम्हारा शैम्पू आ गया सबसे पहले। थैंक यू। ठीक है, एक शैम्पू आ गया। अच्छा भाई ये जो है ना, ये मैंने इफ्रा के लिए लिया था। ठीक है, तो बच्चों के लिए कुछ मिक्स एंड मैच हमने जो है ना चीजें ली। और ये जो है वो मोहम्मद अहमद के लिए है, जो मैंने लिया था 1 2 3 लर्निंग वगैरह के लिए। और ये घड़ी किसकी है? हुरैरा के एक्सप्रेशन चेक करें, ये घड़ी किसकी है? आपकी है। और ये देखो, जैसे ही आप बटन दबाओगे ना, वाओ जबरदस्त। तो अलिशबा की घड़ी का है, अलिशबा के लिए डॉल वाली घड़ी आई है, ये रही। सही है हुरैरा, अच्छी लग रही है। काफी सारे ये एक रिमोट कंट्रोल कार है छोटी सी। ये अब्दुल कबीर का टूल बॉक्स आ गया। टूल बॉक्स है पूरा। आपको अच्छा लगा? ये बेगम आपका दूसरा शैम्पू आ गया। ठीक है, अब जो है ना बच्चों के लिए क्या निकलने वाले हैं? चॉकलेट्स। चॉकलेट्स निकलेंगे अब आप लोगों के लिए। ठीक है, ये देखिए भाई, ये टिम हॉर्टन्स का जो है ना, मैंने कॉफी के लिए मग लिया था, लेकिन मेरी बहन की फरमाइश थी। ये बैग जो है ना, ये पूरा मेरी बहन की डिमांड्स के ऊपर भरा हुआ है। चॉकलेट्स, M&M's, और चॉकलेट्स और M&M's। ये लो, अब खा के बताओ कैसी लगी? मजे मजे की है। अब देखो भी आपको दूं, चबाओ। कैसी लगी चॉकलेट? अच्छा भाई, ये बिस्किट जो है ना, ये भी बड़ी जद्दोजहद के बाद मिला था। ये भी बहन का है सारा सेटअप। तो अब ये जो है ना बंटवारा होगा सारी चीजों का। ये जो चॉकलेट्स वगैरह हैं, कुछ चीजें और भी है इसके अंदर। ये कॉफी वगैरह निकल रही है और चॉकलेट्स हैं, तो ये सारे बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम। सही है, जब तक बैग ओपनिंग सेरेमनी नहीं होती ना, तब तक भाई सुकून नहीं मिलता। बैग खुल गया ना, अब सुकून हो गया, अब मैं तसल्ली से जो है ना नींद करूंगा आराम से। अब जो है ना भाई, हम रिमोट कंट्रोल गाड़ी हमने निकाल ली है। सही है, कितनी छोटी सी गाड़ी है ये चेक करें यार। मुझे इन सारी चीजों का बड़ा जो है ना शौक है। अब देखिए, सारे बच्चे देखने के लिए बैठे हुए कि ये कैसे चलती है। अब चले भाई, ये तो हो गई ऑन, और इसके अंदर भी मैंने सेल लगा ली है, इसको हम ऑन करते हैं। अब्दुल कभी नीचे रखो बेटा। जबरदस्त, गाड़ी कैसी है? अच्छी है। वाह भाई वाह। ओहो भाई, एक अच्छी खासी लंबी नींद करके जो है ना मैं अभी खड़ा हुआ हूँ। सही है, वरना सर इतना घूम रहा था कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। अब जो है ना बेगम से पूछते हैं कि भाई इतने दिन बाद आया हूँ, क्या स्पेशल बनाया उन्होंने मेरे लिए। जी बेगम आ गई है भाई, अब कैसी हैं आप? कैसे दिन गुजर रहे थे आपके? बस आपके बगैर बोरिंग बोरिंग। हाँ, बोरिंग बोरिंग तो हो जाता है, जाहिर सी बात है इंसान तो। फिर अच्छा, आप ये बताएं कि इतने दिन बाद आया हूँ, क्या आज VIP क्या बनाया मेरे लिए, ये बताएं। बस आपके लिए बनाई है। कंग पाव चिकन वगैरह तो नहीं बना दिया गया? क्या बनाया है? चिकन बिरयानी। बिरयानी बनाया है? समोसे। समोसे ही बनाया? रेशा कबाब। ओए शामी कबाब यार, मतलब यहाँ तो फुल बूफे, मतलब दुबई एयरपोर्ट में मुझे बूफे मिला है, यहाँ पे बूफे मिला है। तो अब जो है ना बिरयानी के लिए मैं वेट नहीं कर सकता बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वहां से जाते हुए बिरयानी मिली, कल दुबई एयरपोर्ट पे मुझे फिश बिरयानी मिली, और यहाँ मतलब देखो अलग अलग बिरयानी है। वहां लैम बिरयानी, एयरपोर्ट पे फिश बिरयानी, और तुमने चिकन बिरयानी बनाई। आह जल्दी से ले आओ, अब जो है ना काफी नींद हो गई है ना, तो अब जो है ना भूख भी टाइट वाली लग रही है, तो जल्दी से ले आओ जरा बिरयानी, चेकते हैं बेगम ने कैसी बनाई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, दिखने में ही जो है ना, मैं तुम्हें बता दूं कि बिरयानी तुम्हारी पास लग रही है, लेकिन अब हम जो है ना निवाला बनाते हैं। चिकन बिरयानी का ये बोटी आ गई, आलू आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या स्वाद आ रहा है, आए हाय मजा आ गया, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है। अक्सर लोग बोलते हैं बेगम के प्रेशर में आके तो तारीफ नहीं करें, नहीं भाई असली में तारीफ कर रहा हूँ, बस सीख गई मेरे साथ रह रहे जो है ना, सीख गई सारी चीजें। तो बाकी जो चीजें आपने बनाई थी ना, वो हम कल ट्राई करेंगे। अभी तो जो है ना थोड़ा सा जल्दी सोच रहा हूँ कि आज सो जाते हैं, आराम करते हैं, ताकि कल से जो है ना हम अपने रूटीन के ब्लॉग्स के अंदर आ जाएं वापस। ठीक है, तो चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, कल की वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। और अभी तो एडवेंचर ट्रिप भी हमारा जो है ना स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, ये रहा भाई सारा सामान एडवेंचर का, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई। ब्लॉग मैंने जो है ना एंड कर दिया था, लेकिन अभी जो है ना पड़ोसियों के घर से आया कंग पाव चिकन और डायनामाइट चिकन। मेरे ख्याल से उनको अंदाजा था कि मैं आज की तारीख में इस टाइम पे वापस आ रहा हूँ, तो उन्होंने जो है ना डायनामाइट चिकन भी बना के भेजा और कंग पाव चिकन भी। अब मैं आप लोगों को जरा उसको भी टेस्ट करके बताता हूँ कि भाई किस तरीके का बनाया, किस लेवल का बनाया। ये देखो भाई, ये चावल है, ये कंग पाव चिकन है, और ये डायनामाइट चिकन भी है। ठीक है, आपका भाई इसी स्लिप के ऊपर चढ़ के बैठ जाता है। बचपन में मैं इसी तरह की हरकतें किया करता था, यही ऊपर चढ़ के बैठ जाता था, खाना खा लेता था। चले भाई, बेगम ने तो पहले ही ट्राई कर लिया। बेगम थोड़ा दोनों हाथों से पकड़े ना भाई। अब जो है ना हम ट्राई करने जा रहे हैं कंग पाव चिकन। देखें यार, ये रेसिपी भी कितनी जो है ना समझ लिया वायरल हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बनाया भाई,
देखो तुम्हारी रेसिपी कहाँ कहाँ चली गई है। 100-150 ईमेल्स का तो मैंने रिप्लाई किया था सर। भाई अब जो है ना मैं ये डायनामाइट चिकन ट्राई करने लगा हूँ, ये आ गया भाई। आहा अगर दोनों चीजों में कंपेयर करें ना ये ज्यादा मजे का है, बेहतरीन VIP। भाई अब जो है ना व्लॉग को एंड करते हैं, सही अब सोने की तैयारी। मैं तो सोते हुए मैं उठ के आया था और मैंने बोला कि इसका भी रिव्यू देते हैं। ठीक है कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।